हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री के हमारे डायरेक्टर एंड एक्टर अरुण नागर जी से मिलने के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पे हूँ और वो उनका ऑफिस है नोएडा में। तो उनसे मेरी बात हुई थी व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू। तो अभी हमने उनसे मिलने के लिए उनका एड्रेस मांगा था, तो उनने हमें एड्रेस सेंड कर दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो फिलहाल मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ और हमारी मेट्रो आ चुकी है, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। कहीं तो लाइन लगती है टिकट लेने के लिए और यहाँ लाइन लग रही है एग्जिट लेने के लिए। तो अभी हमें भी लाइन लगना पड़ेगा क्योंकि एग्जिट लेना है यहाँ से। अभी हम सर के ऑफिस पे जा रहे हैं, तो यहाँ से लेते हैं पहले एग्जिट और उसके बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों ये ले लिया हमने एक सर के लिए गुलदस्ता और अब हम चलते हैं यहाँ से सर के ऑफिस की तरफ। तो बिल्कुल पास में ही है सर का ऑफिस, तो अभी हम पहुँचते हैं वहाँ पे। तो अभी हम आ चुके हैं सर के बिल्कुल ऑफिस के बिल्कुल पास। पैदल पैदल 100 से 150 मीटर था है मेट्रो स्टेशन से। तो मेट्रो स्टेशन से हम सीधा पैदल पैदल आ गए हैं यहाँ पे। और अभी दिखाता हूँ, बाहर भी बैनर लगा हुआ है। तो ये देखिए गुरुडा सिनेप्लेक्स एक्टिंग इंस्टीट्यूट नाम से ये बैनर है और कीर्ति मोशन पिक्चर्स नाम से फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। तो जगह जगह सर ने ऐसे सीढ़ियों में बैनर लगाए हुए हैं जिससे आप सेकंड फ्लोर तक आराम से डाइवर्ट ना हो पहुंच सके वहाँ। तो इसलिए ये देखिए जगह जगह सीढ़ियों में भी लिखा हुआ है कीर्ति मोशन पिक्चर्स। तो अभी चलते हैं हम सेकंड फ्लोर पे सर के पास और अंदर एंट्री लेते हैं और दिखाते हैं सर का स्टूडियो और आपको भी मिलाते हैं सर से। तो अभी चलते हैं हम। फिल्म फाइट फॉर राइट पर सरकार ने लगाया रोक, पुलिस की सोच बोर्ड से टला तनाव। शक्ति कपूर, विश्वजीत गदर में है, पाकिस्तान गुजर आंदोलन में द्रोणाचार्य बच्चन दो, एक सुपरस्टार का बेटा दो ढाई और नवाजुद्दीन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर आपने एक्टिंग सीख ली और भगवान की सूंधी नजर रही तो आप भी ऐसे खेलो। बस उस जगह तक पहुँचना है धीरे 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 धीरे, ये तरीका होता है। तो इस इंडस्ट्री में कोई भी जा सकता है, लेकिन आपकी डायलॉग डिलीवरी बेहतर होनी चाहिए, समझे ना? क्योंकि आपके डायलॉग से ही लोग आपको पहचानेंगे। अच्छा, समझे? अब जैसे इसमें तो हमने डायलॉग किसी और से करवा दिया क्योंकि आपको इतने वो नहीं थे कि दोबारा वही सब सेम बोलना था डबिंग में। अब आपको पहले दिन से ही तैयार करके रखना पड़ेगा कि भाई डायलॉग दोबारा भी हमको ही बोलना, ठीक है? तो उस तरीके से खुद को हमें तैयार करना चाहिए, ठीक है ना? तो हम क्या पॉइंट में बात कर रहे थे कि एक्टर बना कैसे जाता है? एक्टर बना जाता है डायलॉग, और डायलॉग के लिए हमको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस किससे होती है? हमारी जबान से। तो इस जबान को जितना ज़्यादा हम पॉलिश करेंगे, जैसे जूते को जितना रगड़ते हैं उतना चमकता है, चाकू पे जितनी धार मारेंगे, तलवार पे जितनी धार मारेंगे उतना पहने, वैसे एक एक्टर को जितना ज़्यादा उसको घिसेंगे, जितना वो ज़्यादा डायलॉग बोलेगा उतनी उसकी बॉडी खुलेगी। तो जितनी बॉडी आपकी खुलेगी आपको फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी बनेगी, आपके एक्सप्रेशन बराबर आएंगे, तो उतने ही आप उम्दा एक्टर बन पाओगे। तो उसके लिए हमको इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। हमने क्या किया हुआ है, हर शब्द के अलग अलग चैप्टर बनाए हुए हैं हर शब्द के। तो दोस्तों ये है सर का ऑफिस और ये देखिए सामने बैठे हैं अरुण नागर जी और साथ में एंग्री अन्ना फिल्म में जो विलन थे वो
और इस तरफ सर के कुछ मूवीज़ के फ्रेम लगे हुए हैं, मूवीज़ के नाम, कुछ सर्टिफिकेट, अवार्ड्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है सर के ऑफिस में, आप देखेंगे अभी कभी विजिट करेंगे तो। तो दोस्तों ये है जहाँ पे ऑडिशन चलते हैं वो रूम, तो यहाँ होते हैं ऑडिशन, जो भी लोग ऑडिशन देने आते हैं उनके यहाँ पे ऑडिशन लिया जाता है सर के द्वारा, और उनके टैलेंट को देखा जाता है, और अगर उनका टैलेंट अच्छा लगता है तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और अगली आने वाली मूवी में उनको काम दिया जाता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको पूरा एक बार ऑडिशन वाला रूम, और फिर एक दो ऑडिशन अभी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं तो उनका एक दो का ऑडिशन भी दिखाता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन देना है आपको, क्या बता दो? एक कशम कश है मेरे अंदर, एक डर सा वो जो है, अगर ये सच है तो ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। समझ नहीं आ रहा मुझे, ये साया मेरी जिंदगी मुझे भी कुछ झकझोर के रख देगा। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है वो शक्तिशाली हो जाता है, रात की गहराई को चीरती हुई एक आवाज है जो मुझे सुनाई देती है, मैं आऊं, एक ठंडी हवा का झोंका है जो एक आह को दर्शाता है और मेरे मन में डर उठता है, क्या यही मेरी मौत है? कश्मकश एक कश्मकश है मेरे अंदर, एक डर सा वो जो कह रहे हैं क्या वो सच है? अगर सच है तेरा बहुत ही भयानक और डरावनी होने वाली है वो साया, मुझे मेरी आत्मा को झकझोर कर रख देगा, मुझे हर कोने में दिखाई दे रहा है, कभी मेरी आत्मा को विवश कर अपनी ओर खींचता हुआ सब, कभी मुझे मेरी मौत की ओर खींचता हुआ, जैसे जैसे रात गहरी होती है वो साया और शक्तिशाली हो जाता है, रात की गहराई को चीरती हुई एक आवाज है जो मुझे बार बार सुनाई देती है, मैं आऊं, एक ठंडी हवा का झोंका है जो पूरी पुकार को एक आहार की तरह दर्शाती है, साथ ही डर मन को लगता है कि कहीं ये वही तो नहीं मेरी मौत। तो दोस्तों यहाँ इसी तरीके के ऑडिशन चलते हैं और इनके ऑडिशन सर को पसंद आते हैं तो सर इनको सेलेक्ट करते हैं और अपनी फिल्म में काम देते हैं, तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो अभी सर से फिलहाल मिल लिए हैं और अब हम यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी देर हो गई, कम से कम 2.5-3 घंटे हो गए सर से बातें करते हुए, अब निकलते हैं यहाँ से, फिर बताता हूँ आपको आके सब कुछ। तो दोस्तों अभी मैं मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ सर से मिलने के बाद में, भाई साहब 2.5-3 घंटे मैं सर के पास बैठा था पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो टाइम निकल गया, क्योंकि सर ने कुछ ऐसी बातें बताई ज्ञानवर्धक, कुछ ऐसे इंडस्ट्री के बारे में कुछ बातें बताई, तो मतलब मुझे इतना टाइम निकल गया ये फील ही नहीं हुआ। और वहाँ बैक टू बैक ऑडिशन चल रहे थे तो वो ऑडिशन भी देख रहा था किस तरीके से लोग आते हैं, किस तरीके से ऑडिशन देते हैं यहाँ पे। अगर आप भी अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है और किसी को भी अगर ऑडिशन वगैरह देना है तो या तो मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता सकता है या डायरेक्ट सर से भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, क्योंकि सर का ऑफिस है नोएडा में सेक्टर 18 में, तो सर से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। सर के अभी ऑफिस पे ऑडिशन चल रहे हैं तो लगातार बैक टू बैक मूवीज आएंगी सर की, तो इसलिए अभी जो भी ऑडिशन देना चाहे तो वो अभी ऑडिशन दे सकता है। तो दोस्तों अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से और फिर मिलता हूँ आपसे बाद में। देखिए दोस्तों ये है दिल्ली का ट्रैफिक,
कितना लंबा जाम लगा हुआ है, देखिए आप, चार चार लाइन वाला रोड है फिर भी कितना लंबा जाम है भाई। अगर सिंगल वन साइडेड रोड हो तो भाई दिल्ली में तो मतलब एक दिन में ही टाइम लग जाए, 10 किलोमीटर जाने में तो एक दिन लग जाए। और ये सामने देख रहे हैं वो है अक्षरधाम मंदिर, सबसे फेमस टेम्पल है ये। नेक्स्ट व्लॉग आपको अक्षरधाम मंदिर का मिलेगा। और ये है अक्षरधाम मंदिर की पार्किंग, देखिए बहुत, दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर है अक्षरधाम मंदिर। देखिए इस तरफ भी कितना लंबा जाम है। तो दोस्तों सर ने मुझे एक ज़बरदस्त प्लान बताया था, तो मुझे तो पसंद आया है, तो अब मैं तो सर के साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ उस प्लान को। तो आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचा दूँगा। क्या मैं फिल्मों में काम करूँगा ये आपको सस्पेंस रह जाएगा, इसलिए क्योंकि सर से मिल के आया हूँ। तो अब आप यही सोच रहे होंगे अब नया जो प्लान बताया तो वही होगा, फिल्मों में काम करेगा। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।